देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लंबी दूरी तक अंडर वाटर कैसे करें। मतलब कि कम से कम स्ट्रोक में अगर मैं यहाँ से अंडर वाटर जाऊँ तो सीधे वहाँ पे जाऊँ, जिस तरह मैं जाता हूँ ना, इधर यहाँ से नीचे जाता हूँ फिर सीधे अंडर वाटर बिना सरफेस को इसको ब्रेक किए, सिर्फ पानी के अंदर एकदम साइलेंटली एकदम चलते चले जाता हूँ उस तरफ। तो उसका एक रूल होता है कि पहली चीज़ तो कि आप लोग बहुत जल्दीबाजी में अंडर वाटर मत करिए। बहुत जल्दीबाजी मतलब बहुत लोग जैसे पानी के अंदर जाने के बाद ही तुरंत हाथ और पैर तुरंत मारना शुरू कर देते, तो वैसा नहीं। जैसे मैंने वॉल पुश वाली टेक्निक बताई है, जिसमें वॉल से पुश करके थोड़ा ग्लाइड होती है बॉडी नीचे जाके, उसको पहले करिए। बॉडी थोड़ी देर ग्लाइड होगी, बॉडी स्टेबल होगी, देन उसके बाद क्या करिए, एक हैंड से कस के पुल करिए, बॉडी थोड़ा सा और ग्लाइड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर जब बॉडी रुकने लगे देन किक करिए। ब्रेस्ट स्ट्रोक का कर सकते हो तो ब्रेस्ट का करिए, नहीं तो किक आप डॉल्फिन और ब्रेस्ट स्ट्रोक का जो बीच वाली किक होती है, मतलब वो कुछ इस तरह चलती है ये, ठीक है, आप इस किक का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, वॉल से पुश किया, बॉडी ग्लाइड हुई, जब रुकने वाली हो हैंड से कस के पीछे की ओर पुल करना है, बॉडी और ग्लाइड हुई, जब बॉडी रुकने लगे देन ये किक करना है। किक करने के बाद फिर से जब किक कर रहे हो तो इस वाले हैंड को आप आगे लाइए, ऐसे सटा के आगे ले आइए, फिर इस पोजीशन में आके फिर दूसरा पुल करिए। ठीक है, आप साइड में वीडियो में देखते जा रहे होंगे जिस तरह मैं बता रहा हूँ, तो उस तरह जब आप करेंगे तो आप बहुत ही कम स्ट्रोक में और बहुत ही दूर तक जाएंगे। अब इसमें बहुत लोग कह सकते हैं, सर हम ब्रीथ कैसे रोकें, ब्रीथ नहीं रुकती है। तो ब्रीथ रोकने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि जैसे सीढ़ी ये है, जैसे यहाँ पे ये सीढ़ी है इधर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको जो प्रैक्टिस बता रहा हूँ ये आप लोग भी करिएगा, इसको पकड़ के आपको बैठ जाना है। ठीक, ये देखिए सनस्क्रीन यहाँ पे भी लग गई है इस पे कपड़े पे। तो क्या करना है, इसको पकड़ के बैठना है, जितना आप कैपेसिटी हो उतनी देर तक करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझको कॉपी करें, अगर मैं 45 सेकंड्स कर रहा हूँ पहली बार में तो आप भी 45 करें, ऐसा नहीं। अगर आप 10 सेकंड्स कर रहे हैं तो 10 सेकंड ही करिए, 5 सेकंड है तो पहली बार में 5 सेकंड ही करिए। तो इसको करके आपको सिर्फ नीचे बैठना है और ना एक्सहेल करना है ना इनहेल करना है, ठीक है, वो कुछ इस तरह होगा। मैं 5 सेकंड या 10 सेकंड करके दिखा दे रहा हूँ, उसी तरह आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। इस तरह एकदम नॉर्मली करना है, ऊपर आनी, अगर सांस आपकी चढ़ रही हो हल्की फुल्की बबलिंग्स कर लीजिएगा इस तरह। फिर जब नॉर्मल हो जाए देन इसको रिपीट करना, और हर बार टारगेट करना है कि ना हो तो 1 सेकंड ही पिछली बार से ज़्यादा करें। मतलब 5 सेकंड अगर मैंने किया तो अब आपको 6 सेकंड करना है, 6 हुआ 7 करना है, ठीक है। तो मिनिमम आपको टारगेट करना है कि जो आपने प्रीवियस टाइम दिया उससे ज़्यादा ही आपको होल्ड करना है। तो इस तरह आपकी ब्रीथ काफ़ी मजबूत हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा देर तक आप ब्रीथ होल्ड करने लगेंगे, एंड जब होल्ड करने लगेंगे देन वही आपको होल्ड करके ही अंडर वाटर करना रहेगा, ठीक है। अंडर वाटर करते हुए कभी भी इनहेल और एक्सहेल करने की कोशिश नहीं की जाती। एक्सहेल किया जाता है, कब किया जाता है, वो होता है कि जैसे मान लीजिए आप हाफ वे कवर कर लिया, हाफ वे डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब 25 मीटर में 12.5 आपने कवर कर लिया, देन उसके बाद जैसे आपको लगे आपकी सांस अब टूट रही है तो हल्का सा रिलीज़ कर दीजिए, मतलब हल्की सी रिलीज़ करके तुरंत रोक लीजिए। वो कुछ इस तरह होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैं जिस तरह रिलीज़ करूँगा उसी तरह आपको अंडर वाटर में भी रिलीज़ करना होता है, वो इस तरह। इस तरह धीरे धीरे करके इसको रिलीज़ की जाती है जब अंडर वाटर हम लोग करते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है हम लोग के लंग्स पे, कि जैसे हल्की से हम लोग ने एयर रिलीज़ की लंग्स से, तो लंग्स पे जो प्रेशर होता है काफ़ी जो तो वो क्या होता है, हल्का सा रिलैक्स हो जाता है, हल्के हल्के। एक बार में नहीं रिलीज़ करने सारी एयर, एक बार में रिलीज़ करेंगे तो आपका अंडर वाटर बीच में टूट जाएगा एंड देन तुरंत आप ऊपर आ जाएंगे। तो फिर हल्के हल्के रिलीज़ करके कर सकते हैं, या तो एकदम से होल्ड करिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं तो पहले करता था हल्का हल्का रिलीज़ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं जैसे कैपेसिटी आपकी अच्छी हो जाएगी तो फिर आप एक बार में ही पूरा कवर कर लेंगे, ठीक, और इस तरह आप अपना अंडर वाटर बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे।